ये जो पांच तत्व हैं इन्हीं के द्वारा हमारा निर्माण है, तो हमारा स्वभाव उन्हीं के जैसा होना चाहिए। तो फिर ये हम लोगों के अंदर ये स्वार्थ की भावना क्यों बार बार चली आती है और उसी के परिणाम स्वरूप ये सब तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। श्रीमान जी एक सवाल है। स्वार्थ में स्व है या नहीं? स्वार्थ शब्द जो बनेगा स्व और अर्थ मिलकर बनेगा ना। स्व की जिनको पहचान नहीं है वही स्वार्थी होते। अज्ञान मूलक है स्वार्थ, ठीक है। एक स्वार्थ का अर्थ यही हुआ स्व माने असली आत्मा, उसकी पहचान जिनको नहीं है। नहीं तो गीता में एक ही वचन दो स्थलों पर आया है, पांचवें अध्याय में बारहवीं अध्याय में, सर्वभूतहिते रताः, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हैं उनको भगवान की प्राप्ति होती है। इधर ध्यान गया या नहीं? तुलसीदास जी ने स्वार्थ सांस जीव का येहू मन क्रम वचन राम पद ने स्व का अर्थ हो गया हमसी। प्रतिबिंब का स्व कौन होता है? बिंब होता है। तुलसीदास जी ने स्वार्थ का अर्थ कितना व्यवस्थित किया? जीव का सच्चा स्वार्थ इसी में है कि मन वाणी कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति हो। एक और है, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। प्रीति का पलड़ा अपनी ओर झुका होता है या दूसरे की ओर? बेटे में प्रेम बेटे के लिए होता है या अपने लिए? पत्नी में प्रेम पत्नी के लिए होता है या अपने लिए? पति में प्रेम पति के लिए होता है या अपने लिए? क्योंकि आत्मा परम प्रीति का विषय परमास्पद है। ये स्वार्थ हुआ ना। दूसरे में प्रेम अपने लिए होता है, इसका नाम है स्वार्थ। हम इसको आप ऐसे मिटा देंगे? नवा अरे अच्छा गाली नींद का देगा को आया कभी? सोते हैं या नहीं? गाली नींद का जब बेग आता है, स्त्री पुत्र आदि की बात छोड़ दीजिए, शरीर को व्यक्ति भुला के सोना चाहता है या नहीं? कौन चाहता है? इसमें प्रेम अगर अपने से ज्यादा होता है उसको भुला के क्यों सोना चाहता? इंद्रियों को भुला के सोना चाहता है या नहीं? मन को भुला के सोना चाहता है या नहीं? बुद्धि को भुला के सोना चाहता है या नहीं? प्राण को भुला के सोना चाहता है या नहीं? विषय जन आनंद सुख दुख मोह को भुला के सोना चाहता है या नहीं? ये स्वार्थ हुआ या नहीं? अपने लिए सब को भुला देते हैं। आत्मा चूंकि परमा प्रेमास्पद है, परमानंद स्वरूप है, अतः अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है। स्वार्थ का एक अर्थ है। दूसरी बात रामचरितमानस लीजिए, सूर्य नर मुनि सब की या रीति स्वार्थ लाल करें सब प्रीति हो गया या नहीं? लेकिन अपवाद एक्सेप्शन कोई है या नहीं? हे तु रहित जगदुम उपकारी तुम तुम्हार सेवा ससुरारी। भगवान या भगवान के सच्चे भक्त जिनको आत्मस्वरूप का विज्ञान है वे केवल स्वार्थ रहित होते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जो स्वार्थ का परित्याग करके व्यवहार करता हो? स्व की मान्यता जिसकी जिस स्तर की है उस स्तर से व्यवहार करता है, यही तो बात है। स्व की मान्यता अपने बारे में जानकारी, स्व की मान्यता जिसकी जिस स्तर की है उस स्तर से व्यवहार करता है। और स्व की मान्यता अन्नमय कोष को लेकर, प्राणमय कोष को लेकर, मनोमय कोष को लेकर, विज्ञानमय कोष को लेकर, आनंदमय कोष को लेकर, साक्षात स्वरूपभूत परमात्मा को लेकर होती है। इसीलिए स्वार्थ की परिभाषा भी, स्वार्थ का स्तर भी व्यक्ति की भावना और विज्ञान शक्ति के बल पर बढ़ जाती है। हो गया? और कौन प्रश्न है? और क्या था आपका प्रश्न?